अब हम बात करेंगे ज्वाइंस इन एसक्यूएल के बारे में। ज्वाइंस क्या होते हैं? ज्वाइंस आपके दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से जो रोज में मौजूद डेटा होता है उनको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब रोज में डेटा जो कंबाइन किया जाता है वो आपका किस बेस पे किया जाता है? वो है आपके स्कीमास के अकॉर्डिंग, जो कॉलम्स में आपका डेटा सेट मौजूद होता है उसकी बेस पे ज्वाइन किया जाता है। अब आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं और डिफरेंट टेबल्स में आपके सेम रोज का डेटा जो है वो आप कंबाइन करके शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइंस को यूज करते हैं। अब ज्वाइंस को यूज करने के लिए टेबल में फॉरेन कीज होना या प्राइमरी कीज होना जरूरी नहीं है। आप फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज के बगैर भी अपने डेटा को ज्वाइन करके शो करवा सकते हैं। तो ज्वाइंस जो हैं वो आपके वेन डायग्राम की तरह होते हैं, यानी कि आप अगर देखें तो आपने वेन डायग्राम जो है वो पढ़ी होगी मैथ्स में। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? ये आपके डेटा की जो रिलेशन है उसको शो करती हैं। यानी कि अब आपका एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवाते हैं तो वो डेटा आपको डिफरेंट मेथड्स के जरिए या डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से शो किया जाता है। अब अगर तो आपका डेटा वो तमाम वैल्यूज जो कि ओवरलैप करती हुई उनके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि अब टेबल ए और टेबल बी है, इन दोनों टेबल्स में वो तमाम वैल्यूज जो ओवरलैप कर रही होंगी वो उनका डेटा शो करवाएगा, बाकी डेटा नहीं शो करवाता, तो ये आपका देखें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दो सर्कल्स के ओवरलैप करने से जो उनके दरमियान में शेडेड रीजन है उसके जरिए से शो करवा रहा है कि यहां पे वो वैल्यूज हैं जो कि इन दोनों कॉलम्स में मौजूद हैं। तो इस तरीके की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी या इस तरीके का जो ज्वाइन होगा जिसके जरिए से जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज जो हैं वो आपको आउटपुट में शो की जाएंगी, उसको इनर ज्वाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारी आउटर ज्वाइन की जो है टाइप आती है, और आउटर ज्वाइन में आपके पास तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन है। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या है? आपके पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। अब इसको आप टेबल ए को और टेबल बी को आप ज्वाइन करवा रहे हैं। टेबल ए और टेबल बी को ज्वाइन करवाते हुए जब जब आप लेफ्ट ज्वाइन की कमांड देते हैं या जब आप लेफ्ट ज्वाइन करवाना चाहते हैं दोनों टेबल्स को, तो जो लेफ्ट साइड पे कॉलम मौजूद है यानी कि आपका ये वाला ए कॉलम जो है इसकी वो तमाम वैल्यूज को शो कर दे और बी कॉलम की वो वैल्यूज को शो कर दे जो कि ओवरलैप कर रही है। आप यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं कि ये ए को पूरे को शेड किया हुआ है और बी के जस्ट उस पार्ट को शेड किया है जो कि ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ए की तमाम वैल्यूज और आपके जो बी कॉलम है उसकी जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज को अगर शो करवाएगा आउटपुट के तौर पे, तो वो आपका ज्वाइन का जो प्रोसेस होगा वो आपका लेफ्ट ज्वाइन कहलाएगा। अगर आपका ए और बी टेबल में उन वैल्यूज को ओवरलैप करके आउटपुट में शो करवाए जो कि आपकी ए और बी में ओवरलैप कर रही है, और उसके अलावा जस्ट बी की वैल्यूज जो के ओवरलैप करने के अलावा मौजूद है उनको शो करवाएगा, तो ये आपके बी टेबल के राइट साइड पे मौजूद होने की वजह से या बी टेबल के बाद में आप जो एक्सप्लेन करते हैं उसकी डिटेल उसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो राइट ज्वाइन के अकॉर्डिंग शो करवाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो ये फुल ज्वाइन में क्या है कि जैसे ए और बी को लेफ्ट ज्वाइन के जरिए से और ए और बी को राइट ज्वाइन के जरिए से ज्वाइन करवाया है, उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट रीजन और राइट रीजन और ओवरलैपिंग रीजन को अगर सारे को शेड कर दे तो इसमें ये बता रहा है कि ये वो वैल्यूज हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर रही, ये वो वैल्यूज हैं जो ओवरलैप बी टेबल की नहीं कर रही, लेकिन ये वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी वो वैल्यूज हैं जो कि ओवरलैप कर रही है बिटवीन ए एंड बी टेबल। तो ये ज्वाइन करने का प्रोसेस होगा, इसको हम फुल ज्वाइन बोलते हैं। अब हम डिटेल में इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इनर ज्वाइन क्या करता है? जैसा कि हम इस लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि इनर ज्वाइन में आपकी जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज जो हैं वो शो की जाती हैं आउटपुट में। तो अब यहाँ पे क्या करता है? रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। आपके पास दो टेबल्स हैं तो उन दो टेबल्स में जो मैच करती हुई वैल्यूज होंगी जस्ट ये उन्हीं को शो करवाएगा। अब कैसे? इसके लिए हम सेंटेंस जो है लिखना है, उसके लिए सिलेक्ट हमने कॉलम्स कर लेने हैं दोनों टेबल्स में से, टेबल ए में से और टेबल बी में से हमने कॉलम सिलेक्ट कर लेने हैं। तो फिर हमने कहना है कि टेबल ए और बी में से जो हमने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उनमें टेबल ए और टेबल बी पे ये इनर ज्वाइन करते हैं, यानी कि फ्रॉम टेबल ए। फ्रॉम टेबल ए मींस ये आपका टेबल वो है जो कि लेफ्ट साइड पे अलाइन है और ये इनर ज्वाइन कर दे टेबल बी पे, यानी कि ये आपका राइट साइड पे टेबल मौजूद है। तो जब ये इन पे इनर ज्वाइन करेगा अप्लाई, तो वहां पे आपने कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन करवाना है? आप कह रहे हैं कि टेबल ए में से कॉलम के नेम को आप स्पेसिफिक कोई कॉलम कह दें उसके नेम को इक्वल करके या इसकी आउटपुट करके दिखाए अगर टेबल बी में भी आपकी कॉलम जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मौजूद हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन करके आउटपुट दे दें। आउटपुट क्या देता है उसके लिए यहां पे एग्जांपल
के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल और एक डिपार्टमेंट्स का टेबल जो है वो लिखा है। अब एम्प्लॉय के टेबल को अगर मैं लेफ्ट अलाइन कर दूं, यानी कि लेफ्ट टेबल और ये वाला मेरा डिपार्टमेंट वाला राइट टेबल हो, तो लेफ्ट और राइट ज्वाइन के लिए हम यहाँ पे ये लेफ्ट टेबल और राइट टेबल पे जो है हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल रिस्पेक्टिवली हमारे पास प्लेस है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय वाले टेबल में एम्प्लॉयज की आईडी है, उनके नेम्स हैं और डिपार्टमेंट आईडीज हैं, और ये डिपार्टमेंट आईडीज किससे रेफर की गई हैं, ये है आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल जिसमें डिपार्टमेंट्स के नेम्स और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स की आईडी मौजूद है। अब यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूँ कि आप सेलेक्ट कर लें एम्प्लॉय वाले टेबल में से नेम्स को, और एम्प्लॉय वाले टेबल में से नेम कौन सी है, ये वाली टेबल का कॉलम स्कीमा जो है नेम वाला स्कीमा, और डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आप नेम को चूज कर लें जो कि डिपार्टमेंट नेम है। अब ये वाला डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर ले। तो उसके बाद क्या करें, एम्प्लॉय वाले टेबल में से यहां से फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ये ज्वाइन करें, किस तरीके से एम्प्लॉय वाले टेबल से डिपार्टमेंट वाले टेबल में, ऑन किस बेसिस पे, एम्प्लॉय वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडीज जो हैं, ये वाली डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है इससे जो डिपार्टमेंट की आईडी है इसके अकॉर्डिंग। अब ये बेसिस हैं, वो कह रहा है कि डेटा आपने जस्ट जो आप आउटपुट में शो करना है वो आपने ज्वाइन को परफॉर्म करने के बाद, ज्वाइन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद एम्प्लॉय वाले टेबल में नेम्स और जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसमें से डिपार्टमेंट के नेम्स को आपने आउटपुट के रिजल्ट के तौर पे शो करना है। जो प्रोसेस है आपने वो परफॉर्म करना है, डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय वाले टेबल में है, एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, और जो आपके पास डिपार्टमेंट्स वाला टेबल है उस टेबल में से डिपार्टमेंट की आईडी जो है इस पे आपने परफॉर्म करना है अपना इनर ज्वाइन, और जो आउटपुट आपने शो करनी है वो जस्ट इन दो कॉलम्स के अगेंस्ट करनी है जो कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम है। अब यहाँ पे जब वो इनर ज्वाइन कर देता है तो अगर आप आउटपुट में देखें तो यहाँ पे अहमद एचआर, हसन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सुभान जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ रहा है। अब ये किस तरीके से आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी 5011 जो है ये वाली डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग है, 5012 इस डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग है, ये नल वैल्यू है, बट ये वाली 5013 डिपार्टमेंट की आईडी इस 5013 डिपार्टमेंट की आईडी के इक्वल है। इट मींस कि आपका ये जो 103 एम्प्लॉय आईडी है इसका डेटा डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा, इसलिए उसने इस कॉलम में मौजूद, इसलिए उसने ये 1003 वाले एम्प्लॉय आईडी वाली जो रो है उसके डेटा को आउटपुट में शो नहीं किया, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में 5014 के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें डेटा नहीं मौजूद। सो उसने ये वाली दो रोज को एक्सक्लूड करते हुए बाकी सारे डेटा को इनर ज्वाइन परफॉर्म करके जो हमने स्पेसिफाई किया था कि किस किस एक्टिव डेटा के अकॉर्डिंग आउटपुट देनी है वो आउटपुट हमें शो कर रहा है, और आउटपुट हमें आ रही है यहाँ पे अहमद एचआर डिपार्टमेंट में है, बिकॉज अहमद के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 5011 है। उसके बाद हसन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है क्योंकि 5012 जो है हसन की डिपार्टमेंट आईडी है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले टेबल में इंजीनियरिंग को शो करती है, और सुभान की जो आईडी है वो 5013 आ रही है जो कि 5013 डिपार्टमेंट वाले टेबल में हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आईडी से रेलिवेंट शो करती है। इसका मतलब हमारी आउटपुट जो होगी वो कुछ हमें इस तरीके से शो होगी, एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ रोज और एक्सक्लूडिंग द डेटा फ्रॉम दोज रोज दैट आर नॉट मैचिंग इन बिटवीन दीज टू टेबल्स। अब इसके बाद है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या है, लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, ये आपका टेबल ए लेफ्ट प्लेस्ड है और ये आपका टेबल बी राइट प्लेस्ड है। अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में क्या है कि रिटर्न्स आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, ये लेफ्ट साइड वाला टेबल है इसके रिकॉर्ड्स को मैच करता है राइट साइड वाले टेबल पे। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे हम कमांड क्या देते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम्स, यहाँ से अगेन नेम्स को सिलेक्ट कर ले और इधर से डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम्स को सिलेक्ट कर ले, और फ्रॉम एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट राइट ज्वाइन करना है। एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट राइट ज्वाइन करने का मतलब डिपार्टमेंट से आएगा आपका एम्प्लॉय पे राइट ज्वाइन आएगा, बताया तो ये है कि फ्रॉम एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट। अब ये आपका
लेफ्ट साइड पे है और ये आपका राइट साइड पे है। और जब आपको यहाँ पे बता दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय राइट ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट से, तो इसका मतलब ये है डिपार्टमेंट से आएगा ज्वाइन प्रोसेस। तो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये ज्वाइन प्रोसेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब हम राइट ज्वाइन करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड, यहाँ पे सेम जो दो स्कीमाज हैं इन दोनों टेबल्स में उनके अकॉर्डिंग जब हम प्रोसेस करवाते हैं राइट ज्वाइन का, तो हमें आउटपुट आ जाती है अहमद 5011 के अकॉर्डिंग ये एचआर डिपार्टमेंट, असन इंजीनियरिंग, सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू नहीं आई क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका डेटा मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे आपका सुभान का डेटा मौजूद है 5013, वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डेटा को यहाँ पे ये आउटपुट में दे देता है। इसका मतलब ये है कि इसने जो आपके डिपार्टमेंट वाले टेबल में वैल्यूज मौजूद थी उनको शो करवाया है एज एन आउटपुट, और आपके जो एम्प्लॉय वाले टेबल में ओवरलैप करती हुई वैल्यूज थी वो शो करवाई हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि राइट ज्वाइन का ये प्रोसेस है। इसके बाद आता है हमारे पास फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या होता है? रिटर्न आर रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन इधर लेफ्ट और राइट टेबल। अब आपके दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय का टेबल और इसके अलावा आपके पास है डिपार्टमेंट्स का टेबल। अब अगर तो आप लेफ्ट ज्वाइन प्रोसीड कर रहे हैं या राइट ज्वाइन प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको जस्ट लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग और राइट वाले के अकॉर्डिंग जो मैच करती हुई वैल्यूज होंगी वो रिजल्ट के तौर पे आउटपुट में आपको शो होगी। लेकिन फुल ज्वाइन में अगर तो आपका लेफ्ट ज्वाइन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग मैचिंग वैल्यूज आ रही है या राइट ज्वाइन करते हुए मैचिंग वैल्यूज आ रही है, सिर्फ वो नहीं शो होंगी, सारी वैल्यूज शो होंगी, चाहे वो आपके लेफ्ट ज्वाइन में मैच कर रही है या राइट ज्वाइन में मैच कर। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज उनमें जो ओवरलैप करती हुई और जो ओवरलैप नहीं करती हुई नॉन ओवरलैपिंग वैल्यूज, वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए आप पहले लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने का सारा जो है सिंटैक्स है। उसके बाद आप राइट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं और लेफ्ट और राइट ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद आप उनका लेते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन आपकी बेसिकली वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो कि आपके टेबल ए में आ रही है या टेबल बी में आ रही है, दोनों टेबल्स में आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा है अपनी मैट्रिक की क्लासेस में, उसमें ये होता है कि अगर ए सेट आपको दिया है जिसमें वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 और एक बी सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 4, 5 एंड 6, तो यहां पे ए यूनियन बी क्या करता है, ये आपके सेट ए की तमाम वैल्यूज 1, 2, 3, 4 और सेट बी की तमाम वैल्यूज को लिखता है, लेकिन जो वैल्यूज यहां पे ओवरलैप करती हुई होंगी उनको जस्ट वन टाइम कंसीडर करेगा। तो यहां पे 4, 5 एंड 6 आ जाएगा, तो ये ए यूनियन बी का रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम लाइक दिस वैल्यू, पहले हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद राइट ज्वाइन परफॉर्म करके हम इन दोनों का यूनियन परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें फुल ज्वाइन की आउटपुट आ जाती है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ये है कि एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। जब हम इन दोनों का जो है फुल ज्वाइन परफॉर्म करवाएंगे आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट और राइट ज्वाइन और टेकिंग द यूनियन ऑफ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी कि एम्प्लॉय आईडीज आ जाएंगी सारी हमारे पास 1, 2, 3, 4 जो है एम्प्लॉय आईडीज के अगेंस्ट एम्प्लॉयज के नेम्स आ जाएंगे और उनके नेम्स के साथ ही उनकी जो है डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। ज्वाइन से रिलेटेड जो हम पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे, अब हम उनको MySQL के वर्कबेंच में परफॉर्म करके देखेंगे कि उनको किस तरीके से हम आउटपुट को चेक करते हैं और कैसे हम ज्वाइंस को परफॉर्म करते हैं। ज्वाइंस को परफॉर्म करने के लिए हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस इंडस्ट्री के नाम से हम एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ गया, और ये ग्रीन टिक जो है किस चीज की अलामत है, ये आपको बताता है कि आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब इस डेटाबेस को यूज करते हुए हम क्रिएट करेंगे दो टेबल्स, एक डिपार्टमेंट्स का और एक एम्प्लॉयज का। उस डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे यूज इस डेटाबेस का नेम, हमने इस डेटाबेस को यूज करना है और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो ये हमारा डेटाबेस यूज हो रहा है। अब इसके बाद टेबल क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है जी पहले एम्प्लॉयज का, और इस टेबल में वैल्यूज क्या आनी चाहिए के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं जी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या आ जाएगी, हमारी नंबर्स की फॉर्म में होती है तो इसलिए इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम जो है वो वेरकेर इसका डेटा टाइप है, और कंस्ट्रेंट इसका हम 50 कर देते हैं। इसके बाद डिपार्ट आईडी, और इसकी डेटा टाइप जो है वो भी नंबर्स है सो इंटीजर डेटा टाइप आ जाएगी इसकी।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्या हमने इंसर्ट करना है और किस में करना है, पहले हम लिखेंगे आपका जो टेबल है एम्प्लॉयज, वैल्यूज क्या होनी चाहिए इसके लिए हम पेरेंसिस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे है पहला कीमा एम्प्लॉय आईडी के नाम से, इट मींस पहले एम्प्लॉय की आईडी आएगी। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं जी 1001 कॉमा, इसके बाद है जी एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अहमद, एंड देन डिपार्ट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी विल बी 5011 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू ऐड हो गई है। अब इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो करके हमारी ये वैल्यूज ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आउटपुट में मुझे टेबल शो करवा रहा है। ये टेबल जो है आपका, जो आपने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है उसमें उसमें जो तीन कॉलम्स आपने ऐड किए हैं, तीन स्कीमाज आपने ऐड किए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, ये आपका वो टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट्स का टेबल, तो उसके लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, और इसमें वैल्यूज क्या होंगी डिपार्ट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर की फॉर्म में। के बाद आ जाता है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम के नाम का कॉलम, डिपार्ट नेम, नेम क्या है जी वो आपके वेरकैर की फॉर्म में, और इसका कंस्ट्रेंट आ जाएगा 50, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया। हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, वैल्यूज ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स में हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारा पहले है आईडी का तो 5011 और कॉमा, फर्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका एचआर का, तो मैं ब्रैकेट क्लोज इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वैल्यू ऐड हो गई है। अब ये नेम्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के, जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर कोई नेम आगे पीछे हो जाए तो इसने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आपने ये कंसीडर करना है कि आपका ये एक जनरल फॉर्म ऑफ डेटा है, आप उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, अपना कोई भी डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये जो टेबल बना लिया है, अब इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे ये टेबल चेक करना है, तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा डिपार्टमेंट के नाम से जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम ज्वाइंस को परफॉर्म करते हैं, टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए हैं, ज्वाइंस को परफॉर्म कैसे करना है वो हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, इजी मेथड्स हैं। आउटपुट के हवाले से ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके लिए मैं लिखता हूं कि सिलेक्ट स्टार, सारे डेटा को सिलेक्ट कर ले फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स, एम्प्लॉयज टेबल परफॉर्म करे इनर ज्वाइन इस पे डिपार्टमेंट्स के टेबल में। इस तरीके से ऑन को हम बोलते हैं कि ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय के टेबल से डिपार्टमेंट आईडी इसको, और कंसीडर करे डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डिपार्ट आईडी को, इनके अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन परफॉर्म करे। के सेमी कॉलन लगा के इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आपकी आउटपुट जो है वो यहां पे शो कर। अब ये आउटपुट में आपके पास आया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो दोनों टेबल्स थे एम्प्लॉय का और जो डिपार्टमेंट्स के नाम से है, ये दोनों टेबल्स आपके जो थे वो इस चीज पे बेस कर रहे थे फोर नंबर ऑफ रोज पे, लेकिन यहां पे हमें जो नंबर ऑफ रोज आई हैं आउटपुट में वो थ्री नंबर ऑफ रोज आई हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको ऑब्जर्व करते हैं ये क्यों ऐसे आई हैं। इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए कि ये आपकी वो तमाम वैल्यूज को एज एन आउटपुट कंसिडर करता है जो कि दोनों टेबल्स में ओवरलैप कर रही होती है। हमने ये इसको कमांड दी कि डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल से डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम्स को कंसीडर करते हुए उन पे इनर ज्वाइन परफॉर्म करे, तो आपका ये डिपार्टमेंट आईडी जहां जहां ओवरलैप कर रही थी उसने उनको ओवरलैप करती हुई सारी वैल्यूज को कंसीडर कर। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको आउटपुट किस स्पेसिफिक मेथड में दे। हमने यहां पे कंसीडर किया था सिलेक्ट ऑल, जब हमने सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट किया इट मींस कि आपके दोनों टेबल्स में जो ओवरलैप करती हुई वैल्यूज हैं वो पूरे के पूरे टेबल्स में से वो वैल्यूज को कंसीडर करते हुए वो आपको आउटपुट दे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको तीनों रोज और तीनों रोज में जो डेटा है जो आपकी इनर ज्वाइन के लिए स्पेसिफाइड वैल्यूज को ओवरलैप करते हुए आया है वो आपको तमाम उन तीन ओवरलैप्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग आंसर जो है आउटपुट के तौर पे दे देता है। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में एक आउटपुट का मेथड डिफरेंट हो जाता है बट प्रोसेस वही है। अब यहां पे मैं इस चीज को ही कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि यहां पे पूरे टेबल्स को नहीं आपने आउटपुट में शो करवाना, आपने शो करवाना है एम्प्लॉयज के टेबल से एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट्स के टेबल से आपने लेना है डिपार्ट नेम को। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊं यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम
एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम को फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी जो है ये क्या करें, अननोन कॉलम आपका एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है में आएगा एम्प्लॉयज, क्योंकि हमारा नेम जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज, दिस वन इज द एरर। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने पे हमारा ये जो यहाँ पे डेटा है अब किस तरीके से आउटपुट के तौर पे आ रहा है, अब ये हमारा डेटा आउटपुट के तौर पे इस तरीके से आ रहा है कि हमें आउटपुट जस्ट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट नेम है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस तरीके से आई है आउटपुट, पहले हमने इस एग्जाम्पल में ये बोला था कि आपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, उसमें से एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट का जो दोनों टेबल्स का डेटा उस पर इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। स्पेसिफिक सिचुएशन दे दी, एम्प्लॉयज वाले कॉलम में से आपने डिपार्टमेंट आईडी लेनी है और डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आपने डिपार्टमेंट आईडीज को लेके उनके अकॉर्डिंग आपने इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट है आपने किस फॉर्म में देना है, जो आपका सारे का सारा डेटा होगा दोनों टेबल्स के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पे हमने ये बोला कि एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसमें से एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट का टेबल जो है उसमें से डिपार्टमेंट के नेम को आपने कंसीडर करते हुए आउटपुट देनी है, बट द रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस विल बी सेम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आउटपुट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो जस्ट फॉलोइंग द एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम इसी के अकॉर्डिंग आई। इस तरीके से आपके दो मेथड्स हैं इनर ज्वाइन को परफॉर्म करने के, कोई इशू नहीं है, दोनों ईजी हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके यहां पे मैं पेस्ट करता हूं और इसको मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए, लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए यहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर क्या करता है जी, यहां पे हमें दोनों टेबल्स में से ओवरलैप करती हुई वैल्यूज और लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज दे रहा है। जो आपका डेटा मौजूद होगा एम्प्लॉय वाले टेबल में और उसमें वो वैल्यूज जो ओवरलैप कर रही हैं आपके डिपार्टमेंट वाले टेबल में और उसके अलावा वो तमाम वैल्यूज जो ओवरलैप नहीं कर रही उन सभी को एज एन आउटपुट कंसीडर करते हुए वो लेफ्ट ज्वाइन में आपको आउटपुट जो है वो दे देगा। अब इसमें 1001, 1002, 1003 और 1004 का जो डेटा आ गया, अहमद हसन आसिम और सुभान का डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 5011, 5012, नल 5013। ये नल क्यों आ रहा है यहाँ पे, अब नल इसलिए आ रहा है कि आसिम का डिपार्टमेंट आईडी नहीं था मेंशन। अगर डिपार्टमेंट आईडी नहीं मेंशन था तो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी से ये ओवरलैप नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यूज आ गई। और अगर डिपार्टमेंट आईडी नहीं है तो इट मींस के डिपार्टमेंट का नेम नहीं स्पेसिफाई, तो यहाँ पे भी नल वैल्यूज आ रही। तो ये है आपका लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट। अब मैं इस सेकंड वाले मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ। राइट ज्वाइन के अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे क्या शो होता है आउटपुट के तौर पे, ये आउटपुट के तौर पे आ रहा है अहमद एचआर डिपार्टमेंट, हसन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सुभान सेल्स डिपार्टमेंट एंड नल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब ये राइट ज्वाइन में ये सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग है, बट हमें एम्प्लॉय का नेम नहीं आ रहा एक का। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके रेलिवेंट फील्ड में जो उसका जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम था उसमें नल था, वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नल ही शो हो रहा है। तो आप इसको, आप ये राइट ज्वाइन वाले को इस फर्स्ट वाले मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं और इस राइट वाले मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन को कॉपी कर लिया है, इसको मैं इधर पेस्ट करके इधर इधर इसको अगेन कॉपी करता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनियन। अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारी आउटपुट आ जाती है। और आउटपुट में फुल ज्वाइन के बाद क्या हमें डेटा शो हो रहा है वो ये बता रहा है कि अहमद एचआर से, हसन मार्केटिंग से, आसिम जो है वो किसी स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट से नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी नहीं थी, और सुभान जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से। अब अगर मैं इस फुल ज्वाइन को यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूं और यहां से मैं सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करते हुए एग्जीक्यूट करवाता हूं फुल ज्वाइन को, तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां से मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, हमारे पास ये आउटपुट आती है फुल ज्वाइन के तौर पे। अब उसने क्या किया कि वो तमाम वैल्यूज जो कॉलम ए की थी, वो तमाम वैल्यूज जो टेबल ए की थी और वो तमाम वैल्यूज जो टेबल बी की थी, इन दोनों टेबल की वैल्यूज को उसने कंसीडर करते हुए जो वैल्यूज ओवरलैप करती थी और नहीं करती थी सारे के सारे डेटा को उसने आउटपुट के तौर पर शो कर दिया। तो ये आपके इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन में जो डिफरेंट टाइप्स के लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन है, इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है ज्वाइंस को यूज करते।